बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार के रूप में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज यानी कि गुरुवार को नामांकन करेंगे। बता दें कि चिराग पासवान के नामांकन के बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। यह जनसभा हाजीपुर के सुभाष चौक स्थित संस्कृत महाविद्यालय में होगी। इस जनसभा में एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। चिराग के नामांकन में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेता हाजीपुर पहुंच चुके हैं। हाजीपुर को दिवंगत रामविलास पासवान की कर्मभूमि भी कहा जाता है। इस सीट से उनके पिता रामविलास पासवान चुनाव लड़ा करते थे और यह पहली बार है जब चिराग पासवान हाजीपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मालूम हो कि इससे पहले वह लगातार 2 बार जमुई से सांसद बन चुके हैं। 2019 में हाजीपुर सीट से चिराग के चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने लोजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी और उस वक्त पार्टी और परिवार एकजुट था। लेकिन रामविलास के निधन के बाद पशुपति पारस ने चिराग से संबंध तोड़ लिए और पार्टी को भी 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। हालांकि दोनों गुट एनडीए का हिस्सा है। मालूम हो कि एनडीए में हाजीपुर सीट को लेकर टिकट बंटवारे के दौरान चाचा भतीजे में काफ़ी जंग देखने को मिल चुकी थी, लेकिन अंत में जीत चिराग की हुई। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या चिराग के नामांकन में उनके चाचा और हाजीपुर के वर्तमान सांसद पशुपति पारस शामिल होंगे। हाजीपुर में चिराग का मुख्य मुकाबला राजद के शिवचंद्र राम से है। वह पहले से ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान के नामांकन के बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। यह जनसभा हाजीपुर के सुभाष चौक स्थित संस्कृत महाविद्यालय में होगी। इस जनसभा में एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। चिराग के नामांकन में शामिल होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहित बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेता हाजीपुर पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।